देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप रावत ने आज कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी आज आम आदमी की थाली में सब्जी और भोजन गायब होता जा रहा है। जीएसटी और नोटबंदी के कारण पहले ही व्यापारी बदहाल हो रखा है, उस पर महंगाई के कारण आम आदमी एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज बेरोजगार पलायन को मजबूर है, जबकि मोदी जी ने घोषणा की थी कि सरकार आने पर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, परंतु आज विडंबना यह है कि यहां का युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। यदि सरकार द्वारा जल्द ही महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आम जनता ने तो क्या बहुमत से प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताया। पूरी जनता की भावना थी कि महंगाई कम होगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और एक सुखद जीवन की। हम 9-10 महीने की जो उत्तराखंड सरकार है, ये मांग करते हैं कि वो बताए कि उन्होंने जो किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने आम जनता के सामने परोसा था, एक भी मुद्दा उनमें कार्रवाई की है। महंगाई दिन प्रतिदिन, सब्जी के दाम 50 रुपये किलो से नीचे किसी भी सब्जी के दाम नहीं है, दाल के दाम 100-150 से नीचे नहीं है। किस तरह से एक गरीब आदमी जो रोजगार उसका छूट गया है जीएसटी और नोटबंदी दोनों के प्रभाव से, वो आज किस तरह से जीवन जी रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बढ़ती महंगाई पे तत्काल रोक लगाई जाए। उसके लिए पेट्रोल और डीजल के दाम और गैस के दाम पर लगातार जो बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए। बेरोजगारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा जुमला दिया था। हम उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार के क्या विकल्प आपने दिए। केवल देहरादून शिक्षा का हब बन गया, उत्तराखंड राज्य का गौरव है कि कम से कम 96% आज बच्चा बेटा और बेटी पढ़ी लिखी है, लेकिन रोजगार के लिए वो दक्षिण भारत की ओर जा रही है। इस क्षेत्र में कब काम होगा? मैं तो मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, ये सौभाग्य कि आप पौड़ी गढ़वाल से हैं, लेकिन कम से कम आपके 57 विधायक इस समय विधानसभा में हैं, वो एक एक गांव अपने गांव को गोद लें और उसका विकास करने की अनूठी पहल करें। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।